अमेरिका में हुए चुनावों के बाद जो बाइडेन को जीत मिली, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की जो कड़ी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ी थी, नए राष्ट्रपति के चयन के बाद वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जो बाइडेन की अमेरिकी चुनावों के जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारतीय प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर भी चर्चा की। Early this afternoon, Prime Minister Modi and President-elect Biden had a very warm conversation. Prime Minister congratulated President-elect, and President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. Then in the conversation today, they discussed about the global strategic partnership which United States and India shares, and they also exchanged views on the Indo-Pacific area. Then they also discussed about the current problem which both United States, India and the world over is facing vis-a-vis the COVID. PM Modi ne upraashtrapati ka chunav jeetne wali Bhartiya mool ki Kamala Harris ko bhi badhai di. Pradhanmantri ne kaha ki unki safalta Bhartiya Ameriki samudaye ke logo ke liye गर्व और प्रेरणा का विषय है। वहीं इस बातचीत के बाद अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो कोविड-19 महामारी से पार पाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने मोदी की बधाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया और दक्षिण एशियाई मूल की पहली उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने और उसे विस्तार देने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत ने चीन को गहरी चिंता में डाल दिया है। बाइडेन के पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर अपना रुख आक्रामक रखा था, और अब नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये संकेत दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति बाइडेन भी चीन को लेकर नर्म नहीं पड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।